हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार आज मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ जिससे आप लोग का इकोनॉमिक्स का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा और आप लोग एटलीस्ट 60 तो स्कोर कर ही लोगे अपने इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम में। सो माय नेम इज सरज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, फंडा है क्या, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि जैसे ही आपके पास पेपर आएगा ना, आपको लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, चाहे वो कोई भी सेक्शन का हो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे इंडियन इकोनॉमिक्स का हो। पहले क्वेश्चन से पेपर को स्टार्ट नहीं करना है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, फिर इंडियन इको का सेक्शन है, जो लास्ट क्वेश्चन है वहां से देखना शुरू करो कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आते हैं वो क्वेश्चन आप लोग पहले अटेम्प्ट कर लो। एमसीक्यू से गलती से भी पेपर स्टार्ट मत करना, क्योंकि वो चाहता है कि आप लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करो और पूरा पेपर नहीं कर पाओ। सीबीएसई में बेसिकली ऐसा होता है कि एमसीक्यूज पहले दिए होते हैं, दोनों सेक्शन के अंदर 10-10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू देके फंसाएगा। वो आपका टाइम वहां पे बर्बाद करना चाहते हैं। आप लोग एमसीक्यू से पेपर स्टार्ट मत करना, आप लोग पीछे से पेपर करना स्टार्ट करना, क्योंकि अगर एमसीक्यू से करोगे तो बहुत मुश्किल से आप लोग पूरा पेपर कर पाओगे। समझे मेरी बात को, पीछे से देखना है क्वेश्चन को और देखो आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं दोनों सेक्शन में। उसके बाद आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन है, अजर्शन रीजन बेस्ड है, कैसा भी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे आप लोग, समझे मेरी बात को। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उनको अभी के अभी प्रिपेयर कर लो। 10 से 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, आधा घंटा दो, एक घंटा दो, इन क्वेश्चंस को लेकिन प्रिपेयर करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझ लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इन न्यूमेरिकल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, देख लो कैसे मैंने सॉल्व कराए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो तीन लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 5 से 10-10 मिनट की वीडियो है, जाके उनको देखो, प्रिपेयर कर लो, अभी टाइम है आप लोगों के पास। साथ में देखो, जो इंडियन इकोनॉमिक्स होती है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है, एग्जाम में भी इसमें पेपर इजी टू मॉडरेट ही होता है। तो अगर आप लोगों ने इंडियन इको को अच्छे से समझ लिया ना, तो एक सेक्शन आपको बहुत सही चला जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो बस लर्न कर लो एक बार। आप जितने भी चैप्टर वाइज पॉइंट्स है, कोई भी आपका चैप्टर है, चाहे कंपेरेटिव डेवलपमेंट है इंडिया पाकिस्तान चाइना का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, उसके एक बार पॉइंट्स पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एमसीक्यूज भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, उनको जाके अभी के अभी प्रिपेयर कर लो, समझे मेरी बात को। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग मेरे से नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।